नमस्कार फ्रेंड्स, मैं आपका फेवरेट क्रेजी राइटर ड्यूटी एंड आज मैं आपको एक मेरा कलेक्शन जो बहुत दिन से मैं कर रहा हूँ, तो आज ये कलेक्शन का जो फायर टेंडर है इसके बारे में मैं आपको डिटेल में बताने जा रहा हूँ। ये गाड़ी बनाया गया है सिग्नेचर मॉडल्स के द्वारा। इसका स्केल है 1:24 एंड इसका अगर आप मॉडल नंबर पूछे तो यह है GMC 1941 ईयर का AK सीरीज़ का फायर टेंडर। यानी ये फायर टेंडर क्या होता है? एक फायर टेंडर होता है जो हम लोग जिसे हम लोग दम वाले गाड़ी या फायर ब्रिगेड का गाड़ी हम लोग जो देखते हैं वही होता है बेसिक फायर टेंडर। इसमें बेसिक इक्विपमेंट्स रहते हैं और फायर फाइटिंग का जो एकदम मिनिमम जो सेटअप रहता है वो इसमें रहता है। तो इसके ऊपर अगर जब इमरजेंसी हो जाता है तो सबसे पहले ये गाड़ी व ऐसा जो गाड़ी है ये सब गाड़ी पहले पहुंचता है। उसके बाद अगर ज़रूरत पड़े तो लैडर ट्रक्स अलग होते हैं, फायर ब्राउजर्स अलग होते हैं और ये सब व्हीकल्स अलग होते हैं, वो बाद में आता है। तो ये है फर्स्ट रिस्पॉन्स यूनिट। तो सबसे पहले मैं इसे दिखा देता हूँ गाड़ी। ये बहुत शानदार मॉडल है जिसको सिग्नेचर मॉडल ने बनाया है। इन द स्केल 1:24 आप देख सकते हो कितना बढ़िया मॉडल है। तो सबसे खास बात है कि इस मॉडल का फ्रंट व्हील स्टीयर करता है। सॉरी दोस्तों, इसका जो पैर पहिए में जो धूल मिट्टी लगे हुए हैं ये खास तरह के मैं डियोरामा बना रहा हूँ उसके लिए, वो बाद में जब बन जाएगा तो आप लोग देखोगे। तो सबसे पहले मैं इसका डिटेल के बारे में शुरू करता हूँ। हाँ, उससे पहले अगर आप इस चैनल को लाइक और सब्सक्राइब नहीं किए हो तो ऑब्वियसली जाना लाइक सब्सक्राइब और थम्स अप देना, और वीडियो कैसा लगे कमेंट में ज़रूर बताना, तो ताकि मैं दूसरा वीडियो जल्द से जल्द बना सकूं, उसमें मैं सुधार ला सकूं। तो सबसे पहले ये एक रियल ट्रक जैसा ही है एकदम। चलो देख लीजिए कि व्हील मूव करते हैं। तो इसका फ्रंट जो है, फ्रंट ग्रिल यहाँ पे ये प्लास्टिक का बनाया गया है, बाकी बॉडी मेटल का है। ये क्रोम फिनिश हेडलाइट्स, और इसको आप देख सकते हो ये है हूटर जो साइरन बजता है गाड़ी में, साइरन वाला हुटर। उसके बाद आता है ये है फ्रंट सर्च लाइट। ये फ्रंट सर्च लाइट आप मूव करवा सकते हो, बस इस मॉडल में नहीं पर रियल मॉडल में ये मूव होता है। उसके बाद फ्रंट विंडशील्ड गार्ड ये क्रोम है, और रियल मॉडल में ये विंडशील्ड आप बंद भी कर सकते हो पर इस मॉडल में ये नहीं होता है। देखिए स्टीयरिंग गियर, और उसके बाद आता है आपका हैंड ब्रेक। आप स्टीयरिंग के साइड में देख सकते हो आपका डिटेलिंग भी दिया गया, एक्सेलेटर ब्रेक क्लच भी है, और गेजेस भी देख सकते हो। और ये है आपका फ्रंट साइड का यूटिलिटी रैक जिसमें हम पेपर्स वगैरह रख सकते हैं। स्प्लिट सीट नहीं है, एकदम सोफा जैसा सीट है। उसके बाद सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ यहाँ पे देखिए, ये जो अपरेटस है इसके बारे में पहले बताऊँगा। 1, 2, 3, 4 यहाँ पे चार टैंक्स हैं जिसको हम लोग CO2 टैंक्स और कार्बन डाइऑक्साइड टैंक्स बोलते हैं। इस पाइपिंग के ज़रिए जाएगा इस होस पाइप के अंदर। ये होस पाइप ऑथेंटिक गाड़ी में तो खुलेगा, यहाँ पे ये फिक्स्ड है। उसके बाद यहाँ से आके ये काला वाला जो सेटअप है इसमें आएगा, इसे हम लोग फायर हॉर्न कहते हैं। ये वाला पार्ट मेटल से बनाया जाता है, ये रबर ग्रिप। अब आप यहाँ पे ग्रिप भी देख सकते हो, यहाँ पे वो ऐसे ये यहाँ पे आप वो हुक और हैंडल भी देख सकते हो। इतना शानदार और डिटेलिंग किया गया है, और ये रबर का पाइप रहेगा। तो जब हम लोग CO2 यूज़ करेंगे, ऐसे फायर्स है जिसको हम लोग वाटर से नहीं बुझा सकते, जैसे कि इलेक्ट्रिकल फायर आ गया, केमिकल फायर आ गया, और एनी ऑयल या गैशियस फायर आ गया जिसको हम पानी से नहीं बुझा सकते, उसके लिए हम लोग CO2 की इस्तेमाल करते हैं। तो ये पार्ट है आपका CO2,
CO2 का आपको दिखा दिया कैसे ये फायर हॉर्न के साथ CO2 का यूज़ आता है। उसके बाद ये जो ढक्कन है ये है आपका वाटर टैंक अंदर में, इस वाटर टैंक का रिफिल का ढक्कन है और ये तो आपका फ्लैशिंग बीम लाइट देख ही सकते हो। अभी अगर पीछे चले जाएं तो ये जो होज है, इस होज के ज़रिए आप यहाँ से जो टैंक में वाटर है और यहाँ पे आप देख सकते हो ये जो ब्लैक एक इक्विपमेंट है, इसमें आपका प्रेशर गेज भी रखा गया है। उस प्रेशर गेज के ज़रिए इस पाइप से पानी बाहर निकलेगा और उसी पानी से क्लास ए फायर जो हम लोग बोलते हैं, जैसे कि नॉर्मल फायर जो है जिससे पानी से बुझता है फायर, वो फायर को आप बुझा सकते हो। ये दोनों रैक्स है जहाँ पे आप लोग यूटिलिटी के सामान भी रख सकते हो और बैठ भी सकते हैं। पीछे वाला जो फ्लैशिंग लाइट्स है, और जी हाँ यहाँ पे अभी आप देख सकते हो फायर एक्सटिंग्विशर्स रखाए गए हैं। इस फायर एक्सटिंग्विशर के बारे में मैं थोड़ी सी बाद में जानकारी दूंगा, पहले मैं इस गाड़ी में और क्या क्या प्रेजेंट है मैं दिखा सकता हूँ। हाँ यहाँ पे एक डंडा और दो डंडे देख सकते हो, ये कुछ भी नहीं जस्ट फ्लैग पोल्स है, क्योंकि इंडिया में नहीं है, ये US मॉडल है और US मॉडल में हम लोग जितना भी देखते हैं कि US की गाड़ी में ना ये जो इमरजेंसी क्रू का गाड़ी होता है यहाँ पे US का फ्लैग लगाया जाता है। तो यहाँ पे आप देख समझ सकते हो कि यहाँ पे US का फ्लैग या तो इस बोरो या जिस काउंटी का ये गाड़ी है उस, और ये जो फायर डिपार्टमेंट को उसका पर्सनलाइज फ्लैग लगता है, फ्लैग पोल से ही और कुछ नहीं है। यहाँ पे आप गाड़ी का टेल लाइट देख सकते हो, इतना छोटा और शानदार टेल लाइट क्रोम डिज़ाइन का बनाया गया है। यहाँ पे नंबर प्लेट होगा पर यहाँ पे 1941 लिखा गया है, चलो कोई बात नहीं, यहाँ पे घुमा दो तो यहाँ पे आप देख सकते हो एक फोल्डेबल स्ट्रेचर है, कुछ इमरजेंसी हो जाएगा तो पेशेंट को या जो इवैक्यूएटीज़ है जिसको हम लोग इवैक्यूएट कर रहे हैं वहाँ पे अगर कुछ ज़रूरत पड़े तो ये स्ट्रेचर को खोल के यूज़ किया जाता है। उसके बाद ये लंबा सा जो डंडा है इसे हम लोग फायर हुक कहते हैं। फायर हुक का काम होता है कि अगर कहीं पे भी आग अंदर में जल रहा है पर ये बहुत गर्म है, आप ओपन नहीं कर पाओगे, जिसको हम लोग अंदर से कैसे बोल सकते कि हुक, और हाँ चलो ये जो पार्ट है इस हुक का ये मेटल का पार्ट है और यहाँ पे एक ऐसा क्लॉ जैसा है, तो हम लोग इसको जहाँ पे आग जल रहा है वहाँ पे हम लोग चीर फाड़ के हवा का जो तनाव है उसको बाहर निकाल सकते हैं। इसे फायर हुक ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। और इसके नीचे आता है आपका फोल्डेबल लैडर, ये लैडर इसके ऊपर हुक है, ये देख सकते हो आप, ये हुक, इसको हम लोग हैंग कर सकते हैं कहीं पे भी अगर जाओगे तो लैडर है, पर हैंग करना है तो आप लैडर को हैंग कर सकते हो। और उसके बाद आता है ये होस पाइप है, ये होस पाइप ये तो प्लास्टिक का है पर ऑथेंटिक में ये होस पाइप है। इस होस पाइप से आप कहीं से भी पानी टंकी में डाल सकते हो, कहीं से भी, जैसे कि फायर हाइड्रेंट हो गया या ऐसा ट्रक में छोटा छोटा मोटर भी यूज़ रहता है, छोटा जनरेटर पंप, कहीं भी तालाब या कहीं झील से पानी आप इस टैंक में डाल सकते हो, डाल के आप रिफिल कर सकते हो। अभी देखिए ये अंदर में एक फायर एक्स है, कुछ भी लकड़ी वकड़ी या कुछ भी तोड़ना पड़े तो वो हम लोग इससे करते हैं। उसके बाद ये छोटा सा कैप है, सामने ले आऊँ, ये हाँ ये जो छोटा सा कैप है फ्यूल कैप है, तो गाड़ी में जो डीजल है इस फ्यूल कैप से डाला जाता है। और बाकी जो आप फायर एक्सटिंग्विशर्स देख सकते हो यहाँ पे 3-3-6, यहाँ पे 7-8-9 और एक यहाँ पे 10, ये सब जो है इसको हम लोग DCP टाइप या फोम टाइप के भी कह सकते हैं। पर देखिए ये मॉडल है, ओरिजिनल में तो रहेगा ही, पर इसमें ये जो सबसे छोटा है एक यहाँ और एक यहाँ, ये दोनों तो 100% फोम कैनिस्टर्स है। फोम हम लोग क्यों यूज़ करते हैं, इलेक्ट्रिकल फायर हो गया, कैसे भी हो कि केमिकल फायर हो गया जहाँ पे पानी और CO2 से रिएक्शन हो सकता है, केमिकल फायर में तो CO2 से रिएक्शन हो सकता है, तो वहाँ पे हम लोग फोम। और ऑयल फायर सबसे इम्पोर्टेंट है कि ऑयल फायर में हम लोग कभी भी वाटर नहीं यूज़ कर सकते, क्योंकि वाटर से ऑयल हल्का होता है। कहीं पे भी आग लगा है अगर आप वहाँ पे ऑयल
पानी मारोगे तो आग बुझेगा नहीं बल्कि बढ़ जा सकता है। इसीलिए हम लोग वहाँ पे CO2 टाइप या तो फोम टाइप यूज़ करते हैं कर सकते हैं। और स्पेसिफिक ऑयल फायर में हम लोग इसीलिए फोम टाइप यूज़ करते हैं क्योंकि फोम ऑयल से भी लाइटर होता है। तो एक अगर फायर ट्रायंगल आप लोग देखो तो फायर ट्रायंगल में सबसे ऊपर में रहता है हीट, एक साइड में रहता है ऑक्सीजन, एक साइड में रहता है फ्यूल। तो फोम टाइप क्या करता है, फोम टाइप फ्यूल को भी काट देता है और ऑक्सीजन को भी काट देता है, तो ब्लैंकेटिंग जिसे कहते हैं। तो इसे फायर बच सक बुझ जाता है। एयर को काटने के लिए हम लोग CO2 यूज़ करते हैं और ठंडा टेम्परेचर को कूल डाउन करके लिए करने के लिए हम लोग बहुत CO2 और वाटर यूज़ करते थे क्योंकि देखिए CO2 का टेम्परेचर बहुत ठंडा हो तो वो माइनस आई थिंक -100 या माइनस उसके नीचे 170 ऐसा कुछ चला जाता है। इसीलिए CO2 बहुत ठंडा होता है। तो इसलिए हम लोग हॉर्न का यूज़ करते हैं, CO2 का हॉर्न। और इट्स एडवाइसेबल कि हम लोग जब CO2 यूज़ कर रहे हैं तो हॉर्न को ना छुएं क्योंकि एक आपका चमड़ा जल सकता है, इतना ठंडा होता है। मुझे इतना पता है क्योंकि मैं ट्रेंड फायर फाइटर हूँ, तो आई नो ऑल दिस थिंग्स, आई हैव डन द बेसिक ट्रेनिंग्स, तो दैट्स वाई। चलिए अभी बात करते हैं इस गाड़ी के और भी डिटेलिंग है, क्योंकि देखिए ये जो इंजन है, ये इंजन का कंपार्टमेंट, सॉरी आप खोल सकते हो। हाँ, यहाँ पे एक 6 सिलेंडर 3.7 लीटर का डीजल इंजन है। टर्बोचार्जर तो नहीं है पर डीजल इंजन है। यहाँ पे आप खोल सकते हो एक साइड और दूसरे साइड से भी खोल सकते हो, लोग देख सकते हो। डिटेलिंग दिया गया है पर इंजन का कोई कलर नहीं किया गया है। अगर ज़रूरत पड़े तो कलर किया जा सकता है पर मैंने अभी तक तो नहीं किया हुआ, बाद में देखेंगे। और एक चीज़ मैं आपको दिखाना चाहता हूँ, ये सामने इंजन का सामने आप देख सकते हो कर्ब रेडिएटर का फ़ैन है। ये घूमता भी है या पता नहीं, पर लगता है ये नहीं घूमता, नहीं ये फिक्स है, ये घूमता नहीं है। पर फिर भी बहुत एक अच्छा चीज़ है कि यहाँ पे एक इंजन दिया गया है। ऑल इन ऑल बहुत अच्छा मॉडल है इसका। अगर नीचे की पार्ट दिखाई दे तो ये देखिए आप, ये है आपका गियर बॉक्स, इंजन, स्वम्प, फाइनल असेंबली, रियर एक्सल और फाइनल ड्राइव, ये एग्जॉस्ट पाइप देख सकते हो। अगर व्हील को आप टर्न करोगे तो इस डाइमेंशन में टर्न होगा। ऑल इन ऑल बहुत अच्छा मॉडल है सिग्नेचर मॉडल्स का। और मैंने इस मॉडल को ख़रीदा था स्टार मार्क से, प्राइस वैसा ही कुछ 1200 या 1300 उसी में आ जाता है, 1:24 स्केल मॉडल का। तो दैट्स दैट फॉर टुडे। उम्मीद है कि वीडियो आपको अच्छा लगे, अगर ख़राब भी लगे तो भी आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना। यू कैन विजिट माई इंस्टाग्राम पेज ऑल्सो, इट्स CADET कैडेट अंडरस्कोर सेन, कैडेट सेन। आप मेरे इंस्टाग्राम पेज में ये सब मॉडल और भी मेरे मॉडल्स हैं उसका वीडियोस भी हैं, और जो नहीं है उसका आप तस्वीर देख सकते हो जाके। लाइक करना, कमेंट करना, मैं कोशिश करता हूँ कि मेरे पास जितना मॉडल्स है उसका रिव्यू दूँ, पर टाइम के लिए तो हो नहीं सकता। पर मैं इंस्टाग्राम में और फेसबुक में भी आप देख सकते हो, मुझे कैडेट सेन या रुद्रदीप सेन मेरा नाम है, और डिस्क्रिप्शन में भी सबका डिस्क्रिप्शन आप मिल जाएगा। आप देखिए, लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को पुश कीजिए, और आपका जितना भी प्यार है, जितना भी आपका कमेंट्स हैं, आप प्लीज़ दीजिए ताकि मैं ऐसा अच्छा अच्छा स्वीट स्वीट मॉडल आपके सामने उसका और रिव्यू भी उसका पेश कर सकूं। आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं कल। थैंक यू।